प्रभु येशु क्रिस्तु में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में ईसा मसीह हमसे कहते हैं, स्वर्ग का राज्य केत में छिपे हुए उसी खजाने के सदृश है, जिससे एक मनुष्य देखता है, वो उमंग में जाता और अपने सब कुछ बेचकर उसे खरीद लेता है। हम भाई बहनों, ईसा मसीह कहते हैं स्वर्ग का राज्य एक खजाना है, जिसमें से हमें सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जिस व्यक्ति इसी खजाने के मूल्य नहीं जानता है, उसी के लिए वो छिपा हुआ है। उन्हीं के फलों को, उन्हीं के कार्यों को अजमाने में असमर्थ हो जाते हैं। और जो व्यक्ति इसे पाता है, वो वापस जाता है और अपने सब कुछ बेचता है और इसी खजाने को खरीद लेता है। हम भाई बहनों, हमें इसी खजाने को, इसी स्वर्ग राज्य को मोल लेना है, इसी स्वर्ग राज्य को प्राप्त करना है, तो हमें हमारा भूतकाल में जो कुछ हमने अपने जिंदगी के साथ जोड़ कर रखा था, जो इसी स्वर्ग राज्य के अनुकूल नहीं है, उसी को सबको भेजना है, उसी को सबको छोड़ देना है, छोड़ के इसी खजाने को, इसी स्वर्ग राज्य को अपने जिंदगी में स्वीकार करना है। आज हम सब कोई कलकत्ता के संत मदर तेरेसा का पर्व मना रहे हैं। यही मदर तेरेसा ने इसी स्वर्ग राज्य का, इसी खजाने को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ बेच के हम लोगों के लिए एक उत्तम उदाहरण दिया है। इसलिए ही आज भी इतिहास के पन्नों में प्रज्वलित एक ज्योति के समान मदर तेरेसा का राग हमें दिखाई दे रहे हैं। आइए इसी भारत के इसी मिट्टी में से संत बने उसी मदर तेरेसा का राग को अपनाते हुए इसी स्वर्गीय धाम का, उसी खजाना प्राप्त करने के लिए या उसी खजाने को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु कृष्ण अपने आशीषों से हम सबको परिपूर्ण करें। सबको यीशु।